जब तक काटेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाली बात है ना। एक एक शेर है, उसका एक डायलॉग है बड़ा अच्छा, दशरथ माझी का, कि जब तक पहाड़ को काटूंगा नहीं जब तक छोड़ूंगा नहीं। तो जब तक ये जातिवाद का जो दंश है ना, इसको खत्म नहीं करेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं, इकट्ठे हो जाओ सारे लोग। जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा देखते हैं, इनकी आग लग जाती है विशेष अंग में, इनके विशेष अंग में आग लग जाती है जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा देखते हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनकी जो बैंड बजाई है, जो इनका 2500 साल का जो इनका षड्यंत्र था, उसको काट दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम के माध्यम से। और ये जो कलम है ये बहुत ताकतवर कलम है। तो प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। बुद्ध शुद्ध है, इनको शुद्ध नहीं चाहिए, इनको कचरा चाहिए। कचरा जो कचरा भरा हुआ है ना, कचरा, वो कचरा चाहिए इनको। क्योंकि लोगों की बुद्धि में जब तक तुम कचरा नहीं उतारोगे जब तक वो तुम्हारे गुलाम कैसे बनेंगे। अगर तुमने लोगों को बुद्धि दे दी तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई हजारों सालों से शोषण करते आए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, अब तो जाग जाओ भाई। बाबा ने हमें मारा, हमारा कत्ल किया, हमारा बलात्कार किया, हमारी बहन बेटियों का सब कुछ नाश्तनाबूद कर दिया, हमको पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए, हमको एजुकेशन नहीं दी, सब कुछ जमीन लूट ली, सब संपदाएं लूट ली हमारी, हमारी भावना फिर भी हट नहीं हुई है। और हम कुछ दो शब्द दे दें तो उनकी भावनाएं हट हो जाती हैं। उनकी भावना भावना है, हमारी भावना कुछ भी नहीं है। मुकदमे तो हर जगह होते हैं, जिनकी सत्ता होती है झूठे मुकदमे करते हैं। जब इंदिरा गांधी की सत्ता थी तो इमरजेंसी लगाई ना, सब लोगों को जेल में भेजने का काम किया। आज क्या वही सत्ता में बैठे हुए लोग। ये तो सत्ता परिवर्तन होती रहती है। जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा, जो व्यवस्था के खिलाफ बोलेगा, जो सच्चाई बोलेगा, उसको जेल में डालने का काम करेगा, तो इनाम देते हैं। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है कि रतनलाल जी के साथ में कोई ऐसा कुछ कर दिया है, बहुत सारे लोगों के साथ में करा है। आनंद तेलतुंबड़े हैं और बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जेलों में हैं। तो जो सच्चाई बोलेगा, जो लोगों को समझाने का काम करेगा, उसके खिलाफ झूठी FIR लिखेंगे। ये पुलिस वाले झूठी FIR लिखने के लिए तैयार बैठे हैं, शोषण करने के लिए तैयार बैठे हैं। वहाँ देखा नहीं, जब उनको पकड़ा तो वहाँ सैकड़ों की तादाद में एडवोकेट पहुँच गए। बेल मिली, बेल मिली ना। अभी जिग्नेश को पकड़ा था वहाँ पर, जिग्नेश को बेल मिली। जिग्नेश की बेल में तो बोला कि झूठी FIR बना रखी है और उनको लंबा जेल में जाएं इसलिए झूठी FIR बना रखी है। तो लोग समझते नहीं कि सर बेल तो मिल गई ना, लेकिन कुछ लोग तो उनका पुतला फूंक रहे हैं, उनके घर के सामने जाकर हुड़दंग हंगामा काट रहे हैं। सर हर उस चीज का पुतला फूंकेंगे जो इन पे सहन नहीं होती है। बाबा साहब इन पे सहन नहीं होते हैं। जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा देखते हैं, इनकी आग लग जाती है विशेष अंग में, इनके विशेष अंग में आग लग जाती है जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा देखते हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनकी जो बैंड बजाई है, जो इनका 2500 साल का जो इनका षड्यंत्र था, उसको काट दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम के माध्यम से। और ये जो कलम है ये बहुत ताकतवर कलम है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बार चलाई थी कलम, ये संविधान बना दिया और संविधान बना के काट दिया और हजारों लखों लाखों लोगों करोड़ों लोगों कलम देकर चले गए। तो आज कलम की लड़ाई है, कलम में मजबूत हो। अगर तुम कलम में मजबूत नहीं होगे तो जब तक बात नहीं बन पाएगी। डॉक्टर रतनलाल ने लगा रखी है अपने घर पर, तो कलम में कितने मजबूत हो। डॉक्टर रतनलाल जी कलम में कितने मजबूत हैं, वो कलम के योद्धा हैं। इसलिए वो जो बात लिखते हैं वो तर्क पे बात लिखते हैं। लोगों को तो परेशान होगी होगी, कोई बात नहीं परेशान हो, मगर सच्चाई को छुपा नहीं सकते हैं। सच्चाई सबके सामने आएगी और ये परेशान नहीं कर सकते हैं, ये परेशान नहीं कर सकते हैं। हाँ झूठी FIR करा सकते हैं, कराओ झूठी FIR, कितनी कराएंगे क्योंकि इनकी सरकार बैठी हुई है। मगर जब सही समय आएगा, सही सत्ता आएगी, तो इन सबका जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दिया जाएगा, सबका जवाब दिया जाएगा और समय जवाब मांगता है। वैसे तो करते हैं सब हिंदू हिंदू हिंदू, लेकिन जब दलित की बात आती है, कोई अत्याचार होता तो फिर वो सब भूल नहीं। बिल्कुल अच्छे आपने सवाल किया था, हिंदू हिंदू। अब कहते हैं कि हमारी भावनाएं हाथ हो गई। भैया SC ST Act पे तो SC पे नहीं लगता है। कोई भी किसी भी जो धर्म का आदमी होता है, हिंदू हिंदू की भावना को कैसे ठेस पहुंचा देगा। कोई दूसरे धर्म का आदमी तो दूसरे धर्म के आदमी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, हिंदू हिंदुओं की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा आज तक। इसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। और इनकी भावनाएं कितनी कमजोर हैं कि एक व्यक्ति के दो लाइन लिखने से भावना हर्ट हो जाती है, बताइए ना। डर है इनको सच्चाई सामने ना आ जाए। सच्चाई सामने सबको, पूरे देश को खोद कर देख लीजिए, बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। 84,000 मठ सम्राट अशोक ने बनवाए थे, कहाँ गए वो। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ चली गई, बुद्ध कहाँ चला गया देश से। जब प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। जब यहाँ कोई विदेश से कोई प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, तो मोदी जी और योगी जी क्या देते हैं, बुद्ध की मूर्ति देते हैं। ये बुद्ध का देश है, बुद्ध शुद्ध है, बुद्ध पूरे दुनिया के अंदर मशहूर है। हाँ तो देखिए ना, यही तो
दो चीज है, वोटिंग के लिए जय श्री राम, और विदेश में जाएंगे तो कहेंगे कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो बुद्ध पूरे देश, देश बुद्ध में होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि देश बुद्ध में होना चाहिए। खुदवाएं सबको, आपको पता लगेगा कि क्या निकलता है नीचे। कल भी जापान में कहा मोदी जी ने कि बुद्ध ही एक ऐसा रास्ता है जहां से हर चीज हर समस्या का रास्ता निकलता है। विदेश में कहते हैं बुद्ध एक ऐसा रास्ता जो हर चीज का समस्या का समाधान हो सकता है, और यहाँ बुद्ध को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि बुद्ध शुद्ध है। इनको शुद्ध नहीं चाहिए, इनको कचरा चाहिए, कचरा जो कचरा भरा हुआ है ना, कचरा, वो कचरा चाहिए इनको। क्योंकि लोगों की बुद्धि में जब तक तुम कचरा नहीं उतारोगे, जब तक वो तुम्हारे गुलाम कैसे बनेंगे। अगर तुमने लोगों को बुद्धि दे दी तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई हजारों सालों से शोषण करते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर। अब तो जाग जाओ भाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा है, कहा ना कि भाई अंधविश्वास के खिलाफ काम करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा है कि जो कचरा है, जो गंध है, उसके खिलाफ काम करो। उसके खिलाफ काम करके आप शुद्ध की तरफ जाओ, बुद्ध की तरफ जाओ। तो जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानने लगे, अगर हमने बुद्ध की बात करी तो लोग बाबा साहब को जान जाएंगे, बुद्ध को जान जाएंगे, लोग शुद्ध हो जाएंगे, लोग फिर हमारी बात कहाँ मानेंगे। तो मोदी जी विदेश में जाकर भगवान हनुमान की क्यों बात नहीं करते, शिवलिंग की बात क्यों नहीं करते, कृष्ण की बात क्यों नहीं करते, राम की बात क्यों नहीं करते हैं? ये तो मोदी बताएंगे क्यों नहीं करते हैं, पर मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। बुद्ध को पूरी दुनिया में माना जाता है। बुद्ध ने पूरी दुनिया को एक ऐसा रास्ता दिया है जो मानव मानव का रास्ता है, जो समता का रास्ता है, भाईचारा का रास्ता है, बंधुत्व का रास्ता है। बुद्ध पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, पूरी दुनिया में माने जाते हैं। हमें इसलिए बुद्ध से नफरत है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि बुद्ध ने हर इंसान को इंसान समझा है। इन्होंने क्या समझा, जानवर समझा। इन्होंने क्या दलित जा रहा है, इन्होंने क्या ओबीसी जा रहा है, इन्होंने क्या ये छोटी जाति का जा रहा है। ये तो इंसान में इंसान का भेद करने वाले सब लोग हैं। जब इंसान में इंसान से भेद किया जाएगा तो फिर ऐसा धर्म किस काम का, जहाँ तुम्हारी वैल्यू ही ना हो, जहाँ तुमको इंसान ही नहीं माना जाता हो, कुत्ते बिल्लियों की इज्जत ज़्यादा हो, कुत्ते बिल्लियों को अपनी रजाई में आप लुटाते हो, मगर इंसान के टच करने से तुम्हें पवित्र हो जाते हो, तो ऐसे धर्म को भैया छोड़ दिया। आपको भी तो अधिकार नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। अगर भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा रहे, उन्होंने हमें मारा, हमारा कत्ल किया, हमारा बलात्कार किया, हमारी बहन बेटियों का सब कुछ नाश्तनाबूद कर दिया, हमको पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए, हमको एजुकेशन नहीं दी, सब कुछ जमीन लूट ली, सब संपदाएं लूट ली हमारी, हमारी भावना फिर भी हट नहीं हुई है। और हम कुछ दो शब्द दे दें तो उनकी भावनाएं हट हो जाती हैं। उनकी भावना भावना है, हमारी भावना कुछ भी नहीं है। ये गलत बात है, ये गलत बात है बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया है, संविधान में सब लिखा हुआ है कि हमें बोलने की आज़ादी है, अपने कहने की आज़ादी है। एक आदमी के कहने से लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को हट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। अपना विचार रखना बहुत जरूरी है। जो चीज़ डिसाइड नहीं हुआ, रतनलाल जी का जो केस है उसमें डिसाइड नहीं हुआ कि ये शिवलिंग है या नहीं है, कोर्ट डिसाइड करे ना। कोर्ट विल डिसाइड दिस इज शिवलिंग एंड नॉट, कोर्ट डिसाइड करे। कोर्ट ने तो डिसाइड करा ही नहीं अभी क्या है ये, फारे को शिवलिंग बना दिया, उसको बना दिया। अब यहाँ भीड़ डिसाइड कर लेती है जो करना है। ये भीड़ डिसाइड बहुत कुछ करती है। भीड़ डिसाइड ने हैदराबाद में भी करा था, चार लोगों को गोली मारी थी, मारी थी नहीं मारी थी, बहुत पूरे देश में उसका वो करा था कि भैया सिंगम हो गया, सिंगम हो गया, स्वागत हुआ था, स्वागत हुआ था ना। अब क्या 302 का केस चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि ये 302 का मुकदमा चलेगा, यहाँ पे मर्डर हुआ है या चार लोगों का, ये एनकाउंटर नहीं था ये। भीड़ कोई डिसाइड करेगी क्या? फिर तो भीड़ जिसको अच्छा कहेगी उसको कहेगी भीड़ तंत्र है क्या, या लोकतंत्र है? तो फूल बरसाए जा रहे थे उस टाइम, अब क्या बरसाए जा रहे हैं? अब 302 का मुकदमा चलेगा उन पे, चार लोगों को मारा वहां पे, ऐसे फिर तो न्याय खत्म हो जाएगा। फिर तो ताकतवर लोगों के हाथ में न्याय आ जाएगा, उनके वही करेंगे सब, जिनके पास पैसा है, जिनके पास में ताकत है, वो न्याय न्याय लेंगे। गरीब को तो न्याय मिलेगा नहीं। यहाँ कोर्ट कचहरी क्यों बनाई हुई है? अगर इस देश के अंदर कोर्ट कचहरी ना हो ना, अगर कानून ना हो, तो ये पुलिस वाले नेताओं से मिलकर पूरे देश को लूट लेंगे, और जिन जिन के लोगों के खिलाफ भी झूठी एफ आई आर लिखानी चाहे लिखा देंगे। जो भी इनके खिलाफ थोड़ा भी बोलेगा, जो सच्चाई बोलेगा, उनके खिलाफ झूठी एफ आई आर करेंगे, जेल में डालने काम करेंगे, किसी का एनकाउंटर करेंगे, किसी के पैर में गोली मारेंगे, किसी को उठाकर लेके आएंगे। ये तो गुंडे हो जाएंगे सबसे ज्यादा। शुक्र है कि इस देश के अंदर कोर्ट कचहरी कानून है। तो यूपी की पुलिस से ठोको की राजनीति करते रही है, ठोक देती है वो बदमाशों को, ठोक रही है ना। तो जिस दिन भी उनको कानून का डंडा पड़ेगा, जिस दिन भी कानून अपने उस पर आएगा, उस दिन को पता लगेगा कैसे ठोका जाता है। ये गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, ये गलत परंपरा करी हुई है। क्योंकि देश जो है वो गोली से नहीं चलेगा, देश जो है वो पुलिस से नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा। और कानून का मजाक उड़ाने वाले लोग ये सोच ले कि ये ज़्यादा दिन तक मजाक नहीं उड़ा सकते हैं।
आपको देश को कानून चलाए, अगर दूसरे की सरकार आएगी फिर क्या करेगी, वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी? अगर तुम जैद लोगों के साथ कर रहे हो, अगर गलती से उनकी सरकार आएगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा? तो आप भैया जो अनजस्टिस कर रहे हो वो नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा कहना है कि ये जो लोग हैं ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो शोषण करें बंद करें, नहीं तो इनको भुगतना पड़ेगा इस बात का। लेकिन एक बहुजन पत्रकार है शंभू कुमार सिंह, वो रतनलाल वाले मैटर में कल रिपोर्टिंग कर रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनके ऊपर हमला कर दिया, उनके एक महिला पत्रकार उस पर भी हमला कर दिया। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये हर उस व्यक्ति पर हमला करेंगे जो व्यक्ति सच्चाई को बोलता है, जो व्यक्ति इनकी कमियों को उजागर करता है, जो व्यक्ति इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, वो हर व्यक्ति इनका दुश्मन है। तो इसलिए हम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनकी ना तो FIR से डरो, ना इनके हमलों से डरो, किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इनका सामना करना है, इनका जवाब पत्थर से देगा जब तो बात बन पाएगी। आप संख्या में बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत ज़्यादा हो इस देश के अंदर, आप पूरे देश का निर्माण करते हो, अब की बार मन बना लो इनका सामना करना है, डट कर खड़े हो जाओ सामने करने के लिए। और जब जिस दिन तुम डट कर खड़े होगे, जब तक काटेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाली बात है ना, एक शेर है उसका, एक डायलॉग है बड़ा अच्छा दशरथ माझी का, कि जब तक पहाड़ को काटूंगा नहीं जब तक छोड़ूंगा नहीं। तो जब तक ये जातिवाद का जो दंश है ना इसको खत्म नहीं करेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं, इकट्ठे हो जाओ सारे लोग।